ट्रक से 39 लाख का डोडा चूरा बरामद, जेल में रची तस्करी की साजिश, 14 पहिए की ट्रक में 26 क्विंटल डोडा चूरा। नमस्कार, देखिए मंदसौर की विशेष खबर। मंदसौर की दलोदा थाना पुलिस ने एक ट्रक से 26 क्विंटल अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। बरामद डोडा चूरा की कीमत करीब 39 लाख रुपए बताई गई है। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने बताया कि मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में 14 व्हीलर ट्रक नंबर RJ27GD3323 में, जिसके सामने केबिन पर अंग्रेजी परसुरापुरा गोल्डन ऑल इंडिया परमिट व नीचे बम्पर पर लगे 3 पाइप पर अंग्रेजी में आई लव माई इंडिया लिखा है। पीछे टाटा के पास बोरे के बंडल के नीचे काले रंग के प्लास्टिक के बोरे में बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा ग्राम छायन से बरकर जवासा नीमच तरफ से उज्जैन तरफ जाने वाला है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम बनाकर महू नीमच फोर लेन हाईवे पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान मुखबिर के बताए गए संदिग्ध ट्रक को रोककर चालक को हिरासत में लेकर ट्रक की तलाशी ली गई है। इसमें ट्रक में भरे टाट के बंडलों के नीचे छुपा कर रखे 130 बोरे में भरा 26 क्विंटल मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मोतीलाल पिता परसराम अहिर उम्र 34 साल निवासी खोकरवास पोस्ट भटेवर थाना वल्लभ नगर जिला उदयपुर राजस्थान का बताया है। ट्रक को चेक करते ट्रक के त्रिपाल को हटाकर देखा तो डालने में टाट के बोरे के बंडल भरे हुए थे, जिनको हटाकर देखा तो नीचे काले रंग के प्लास्टिक के बोरे भरे हुए थे, जिनको चेक करते 130 प्लास्टिक के बोरे में अवैध डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मोतीलाल ने बताया कि उसकी दोस्ती गांव के पास रहने वाले राजू मीणा से थी। राजू ने उसे तस्करी के रास्ते जल्दी लखपति बनने का शॉर्टकट बताया था। इसके बाद वह तस्करी के लिए तैयार हो गए। राजू ने मोतीलाल के खाते में एक अन्य व्यक्ति दिनेश नाम के शख्स से फोन पे कर कुछ रुपये ट्रांसफर किए हैं और एक मोबाइल भी दिलवाया है। इस मोबाइल पर मंदसौर के बिलोद निवासी अब्दुल पिता बाबू खां से बात हुई है, जिसने बताया कि काम होने पर उसके पास रुपये पहुंच जाएंगे। अब्दुल फिलहाल राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है। यह डील उसने जेल से ही की थी। इसके बाद नीमच जिले के छायन गांव से ट्रक डोडा चूरा से भरे 130 बोर लोड किए गए हैं, जिसे लेकर आरोपी ट्रक चालक उज्जैन से ले जा रहा था। इसी दौरान दलोदा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मामले में आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वहीं डोडा चूरा तस्करी में शामिल 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए।